आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं. अरेंज दीज नेशनल पार्क्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए डाचीगाम, बी पेरियार, सी रणथंभौर, डी ताडोबा. नेशनल पार्क्स नॉर्थ टू साउथ. हो गया समय समाप्त. आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का. सही क्रम है, सबसे पहले आता है ए डाचीगाम जो कि जम्मू कश्मीर में है, फिर आता है सी रणथंभौर राजस्थान में, फिर आता है डी ताडोबा महाराष्ट्र में है ये, और अंत में है पेरियार जो कि है केरल में. ये है सही क्रम ए सी डी बी. आइए देखते हैं ए सी डी बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया. दो को छोड़कर सभी सही जवाब. और सबसे कम समय रश्मि कुमारी. रश्मि जी बहुत बहुत बधाई आपको. और आंसू मत बहाइएगा. नहीं बहाऊंगी सर. हाँ, घर से जब देखती थी तो लगता था कि इतनी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाकर आंसू निकले, पर आंसू सही में लग गया कि वाकई ये जगह ऐसी है कि ये हो नहीं पाता. नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. और आपने काफी समय लगाया वहाँ से यहाँ आने में. उधर ही बैठी रह गई आप. हमको लगा कि नाम हमने सही लिया है कि नहीं लिया है. भरोसा नहीं हो रहा था बहुत. एक्चुअल में अगर ट्राई करते करते, मैं ये नहीं कहती, हर एक कंटेस्टेंट ने बहुत लंबा टाइम शो को फॉलो करने में बिताया है, और मैं बोलूँ तो मैंने तो 2000 से ट्राई करना शुरू किया है सर. 2000 लाइन लगा करके बैठे रहना उसके पीछे. बहुत प्रयत्न किया आपने. बहुत किया सर. फलस्वरूप आज आप यहाँ बैठी हैं. तो देवी सुंदर मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रश्मि कुमारी जी. बहुत बहुत बधाई आपको रश्मि जी. और आप अपने साथ किसके लाई हैं? शायद मेरे हस्बैंड हैं. पति देव को लाई हैं. प्रणाम करता हूं भाई साहब. नमस्कार सर. आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार सर. वीरेंद्र कुमार जी, एक बार तालियां बज जाए उनके. ऑलराइट ऑलराइट रश्मि जी, आप कर क्या रही हैं आजकल? सर मैं एक बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ. ओहो, बैंक में. वाह क्या बात है, वरिष्ठ प्रबंधक. एक तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि एक महिला जो है इस जगह पर पहुंची हुई, इस पदवी पर है. और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. हमेशा से क्या आप यहाँ जाना चाहती थी, किसी बैंक में काम करना चाहती थी, वैसे ही काम करना चाहती? नहीं सर, मैंने जब पढ़ाई की, मेरे पापा भी सर्विस में थे, और तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं सिंपल एक हाउस वाइफ के रोल में ना जाऊँ. जी, कहीं ना कहीं था कि नहीं मुझे जॉब करनी है, कैसे भी करनी है. मैं खानदान की ही नहीं, मतलब अपने टाउन की भी तब पहली लड़की थी जो जॉब में आई, डिस्पाइट कि मेरे पेरेंटल हाउस में, मतलब पापा के साइड से नहीं, और ओल्ड एज पर्सन्स की तरफ से कि नहीं लड़कियों को जॉब क्यों करनी, ये जॉब करके क्या करेंगी. हाँ, जॉब करके क्या करेंगी, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शादी ब्याह करो, टाइम पर शादी कर दो. चूंकि मैं बड़ी भी थी सबसे, पर मुझे लगता था कि नहीं मुझे कुछ बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए. एक पैशन सा था कि मैं शायद सिंपल हाउस वाइफ के रोल में नहीं चल पाऊँ. बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई आपके लिए, आपकी सोच के लिए. आपकी सोच जो है बहुत अच्छी. थैंक यू सर. और रश्मि जी, जल्दी से आपको खेल की ओर आपका ध्यान खींचते हैं हम. जी सर. खेल के नियम जो है वो तो आप जानती हैं. तीन लाइफ लाइन्स आपके सामने. यस सर. ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप. तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं. ऑलराइट, लेट्स प्ले. कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ रश्मि जी. पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किसमें बर्फ बनती है? विच ऑफ दीज प्रोड्यूसेस आइस क्यूब्स? ए
आयन, बी गीजर, सी अवन या डी फ्रीजर। स्त्री गीजर, अवन या फ्रीजर? सर डी फ्रीजर को लॉक किया जाए। डी फ्रीजर कह रहे हैं ताला लगाने को। सही जवाब दे दिया आपने। यहाँ पर आइसक्रीम बनते हैं, बर्फ बनती है इसके। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम दूसरे प्रश्न के ऊपर, और वो ये रहा आपके सामने। सत्तू किस भारतीय राज्य का एक स्वादिष्ट और फाइबर से भरपूर पेय है? सत्तू शरबत इज अ सेवरी एंड हाई फाइबर ड्रिंक फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी असम, डी महाराष्ट्र। सर बी बिहार, क्योंकि सत्तू जो है ना सिर्फ मतलब पेय है बल्कि ये कई तरह से यूज भी होता है। हमारे तो नाश्ते का कई बार ये सप्लीमेंट हो जाता है कि सत्तू पीकर निकल जाओ। बिहार का बिहार कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, ये एक इमेज आपको दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। छवि में दिख रहा अभिनेता इनमें से किस गाने में दिखाई देते हैं? The actor seen in the image appears in which of these songs? कौन है ये? आ देख लिया जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ऑल इज वेल, बी ओ जाने जाना, सी मेहंदी लगा के रखना, ये डी कहो ना प्यार है। सी मेहंदी लगा के रखना। सी मेहंदी लगा के रखना कह रही है, लगा जाए सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, दिलवाले दुल्हनिया में ले जाएंगे इस गाने में काजोल के साथ शाहरुख खान थे। अभी आपने उनकी छवि देखी जी सर, वो वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर से नहीं है छवि, वो उनके घर की है। अच्छा, उनके लाखों दर्शनार्थी जब आते हैं घर के बाहर, मन्नत के, हाँ मन्नत के, तो उनसे मिलने जाते हैं। एक बहुत ऊंचा मचान बनाया हुआ है इन्होंने वहाँ खड़े होकर के। पागल हो जाते हैं लोग। ऑलराइट, तो ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये ANI न्यूज एजेंसी के सर्जन से संभव हो पाया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं रश्मि जी, चौथा प्रश्न आएगा 5000 रुपए। रेडी? कॉमिक्स का इनमें से कौन सा पात्र लाल पगड़ी पहनता है? विच ऑफ दीज कॉमिक्स कैरेक्टर्स वेयर्स अ रेड टर्बन? ऑप्शंस ए चचा चौधरी, बी सुपंडी, सी एस्टरिक्स, डी टिंटिन। सर ए चाचा चौधरी को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह क्या बात सर, एक चीज कहना चाहूंगी है? एक चीज कहना चाहूंगी, बचपन से ही मतलब कॉमिक्स और मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक था। इवन कोर्स की बुक्स में छिपा छिपा करके भी, डांट खा कर कर भी पढ़ती रही हूँ। बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी सुपर हीरो की बुक्स पढ़ी है, पर एक जो हीरो जो हमारा बहुत फेवरेट हुआ करता था उस टाइम में, वो था अरे कॉमिक्स, वो थी सुप्रीमो। ओहो, सुप्रीमो में जो सुपर हीरो होता था बहुत सारे सुपर हीरो के बीच में, उस सुपर हीरो की अपनी क्वालिटी थी, दिन में एक्टिंग करना और शाम को न जाने कौन था वो सहायता करना। सर वो आप थे, तब भी सुपर हीरो थे, आज भी सुपर हीरो। वो तो बंद हो गई है वो किताब। पर ये कॉमिक्स का शौक जो है बचपन से सबको होता है, और हमको भी था। हम लोग भी स्कूल में जाने से कम थोड़ा कॉमिक ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन उस समय हमारे ज़माने में चचा चौधरी नहीं थे। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न, और इसका मूल्य है 10000 रुपये। तैयार हो जाइए, पांचवा प्रश्न 10000 रुपये स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, इनमें से किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल का अंतिम अंक शून्य होगा? The last digit of the product of which of these pairs of numbers is zero? A 714, B 512, C 916, D 311. 714, 512, 916, 311. Sir, B 512 को lock कीजिए। B 512 पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आज। ऑप्शन तो ऐसे पढ़ने में लग रहा था जैसे वो जमीन खरीदने जाओ तो बोलते हैं ना 712 क्या है, ऐसा कुछ होता है ना। ऑलराइट,
तो आ गया है समय सुपर सवाल का। सुपर सवाल इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए रश्मि जी के लिए। अगस्त 2024 तक के संदर्भ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? एज ऑफ अगस्त 2024, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? पुष्कर सिंह धामी। श्री पुष्कर सिंह धामी कह रही हैं, ताल लगा जाए। श्री पुष्कर सिंह धामी इज द राइट आंसर। वेल डन। अगस्त 2024 तक श्री पुष्कर सिंह धामी। तो रश्मि जी, ये सही उत्तर दे करके आपको मालूम है कि आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। रश्मि जी आगे चलें। जी सर। और छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। यह रहा, झारखंड की किन पहाड़ियों में जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखरजी स्थित है? What hills in Jharkhand are home to Sammed Shikharji, a Jain pilgrimage site? आगे विकल्प, ए शिवालिक, बी पारसनाथ, सी अमरकंटक या डी सतपुरा। सर, जैन लोगों का ये सबसे बड़ा धर्म स्थल है सम्मेद शिखरजी, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी भी। बी पारसनाथ। पारसनाथ बी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी सर। बी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि हर वर्ष जो है वो हजारों जैन भक्त जो है स्थल की यात्रा करते हैं। जी सर। और पारसनाथ पहाड़ियां जो है संथालों के लिए भी पवित्र हैं और ये देवता मारंग बुरु की उनकी पूजा का हिस्सा है। ओके रश्मि जी, ऐसे ही अगला प्रश्न डालने से पहले, आपके परिवार में और कौन कौन है? सर, फैमिली में हस्बैंड से आप मिल चुके, इनके अलावा दो बच्चे हैं मेरे, बेटा है मेरा वत्सल शेखर 11 साल का और एक बेटी है वल्लरी शिवा। कहने को तो सर 15 की प्लस है लेकिन एक्चुअल में वो एज वाइज वो 16 की हो गई है, पर अदरवाइज जो है वो 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर है। विजन में प्रॉब्लम है उसकी, स्पीच क्लियर नहीं है, लिसनिंग के इश्यूज हैं, एक आई ऑलमोस्ट डैमेज है और बस वो जो देख पाती है वो दूसरी आंख से ही देख पाती है। और सबसे बड़ा जो है मेंटल इश्यूज, 75% तक उसको मेंटल रिटार्डेशन है। हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉपर ट्रेन कर पाएं ताकि कम से कम वो अपने काम करने लायक हो सके। एक स्पेशल स्कूल में भेजती हूँ उसको यहाँ पर। वर्तमान में एक सरकारी बैंक में सीनियर मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं ऑफिस में फिजिकली भी होती हूँ तो लगता है कि नहीं, मेरा दिमाग तो घर पर है, मन मेरा घर पर है, CCTV है मेरे घर में देखने के लिए उसे। पूरे दिन के वर्कलोड के बाद मैं जब घर आती हूँ, बेल बजाती हूँ, बेटी मेरी दरवाजा खोलने आती है और जो वो स्माइल देती है ना, तो लगता है कि आज सारे दिन की थकान उतर गई। कौन बनेगा करोड़पति, मेरे लिए एक होप है, एक उम्मीद है अपनी बेटी के लिए। मैं जो भी राशि जीतूंगी वो मेरी बेटी के लिए होगा जिससे उसके फ्यूचर को सिक्योर करने में मुझे मदद मिलेगी।
एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, उनकी जब संतान इस तरह से पीड़ित होती है तो बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है बहुत। पर इस मंच पर आने का एक मेरा मकसद ये भी था कि मैं, मतलब मुझे कुछ ऐसे और एवेन्यूज पता चले बड़े, जहाँ पर ना सिर्फ उसकी डेली रूटीन, बल्कि जैसे मेरी बेटी थोड़ा डांस में इंटरेस्टेड है, थोड़ा ये उस तरह की चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो जो है थोड़ा और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सके। मतलब एक ही तो सपना है सर, सेल्फ डिपेंडेंट वो अपने पर बन पाए, कि वो अपनी अपने काम खुद से कर पाए। हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं रश्मि जी, कि जल्दी से जल्दी जहाँ कहीं भी सहयोग मिल सके इसके लिए, और अगर कोई ऐसे प्राणी है जो कि हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको लगे कि रश्मि जी की जो बच्ची है उसके लिए कुछ ऐसा एक इलाज हो सकता है, तो कृपा करके आप यहाँ हमें लिख सकते हैं सोनी पे, और हम उम्मीद करेंगे कि वो जितनी भी जानकारी है आपकी वो आपको दे सकें, और आपके बच्चे की जो अवस्था है उसमें सुधार आए। उनको इतना मालूम है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना मालूम है? यस सर, इतना पता है उसे, कुछ चीज़ें और पता है, डांस वगैरह उसका इंटरेस्ट है, टीवी देखना, मोबाइल, आपका शो देखना। वो मुझे कहेगी मम्मी केबीसी शुरू हो गया आज, अगर इस शो पर आने का सर एक और बड़ा पर्पस, वो मुझे इस तरह से देखेगी ना आपके सामने बैठे, उसकी स्माइल इतनी इनोसेंट है कि वो देख करके मुझे ये कर जाएगी, वो तो ब्लास्ट कर जाएगी उसको देख करके। चलिए, हम सब प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो बेटी है, वल्लरी कहा ना आपने, वल्लरी सुंदर नाम है। यस सर। और वो किसी तरह प्रार्थना की वजह से, आपकी देख रेख की वजह से वो फिर से एक बार स्वस्थ हो जाए। यस। ऑलराइट पत्नी। ओके रश्मि जी, चलिए अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए, स्क्रीन को पढ़िए। इनमें से किस बैंक की स्थापना मुख्य रूप से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी? विच ऑफ दीज बैंक्स वॉज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली टू प्रोवाइड financial assistance to promote foreign trade? विकल्प आ गए ए सिडबी, बी नाबार्ड, सी एक्सिम, डी आईडीबीआई। बी नाबार्ड, ए सिडबी, सी एक्सिम, डी आईडीबीआई। सर एक्सिम को लॉक किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। सी कह रहे हैं एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो लगा जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सुंदर उत्तर है, तो हमको जानकारी नहीं थी इसकी। ऑलराइट, बधाई हो आपको रश्मि जी। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न आएगा और यह है 80,000 रुपए का। आठवां प्रश्न, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान वाल्मीकि द्वारा आदर्श पुरुष का नाम पूछने पर किन्हों ने उत्तर में भगवान राम कहा था? Who among the following, when asked by भगवान वाल्मीकि to name a perfect man, answered Lord Ram? विकल्प आ गए ए ऋषि नारद, बी लॉर्ड हनुमान, सी लॉर्ड ब्रह्म या ब्रह्मा, डी ऋषि विश्वामित्र। ऋषि नारद, बी भगवान हनुमान, सी भगवान ब्रह्मा और डी ऋषि विश्वामित्र। सर भगवान हनुमान तो लग रहा है, पर
कहीं ना कहीं डाउट्स। 25 सेकंड बचे हैं और 3 लाइफलाइन है आपके पास, अगर कष्ट हो रहा हो आप ले सकती हैं। जी सर। सर ऑडियंस बोल। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। 16 सेकंड बचे हैं, ऑडियंस बोल ले रही, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और थोड़ी सहायता दीजिए रश्मि जी को, और आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि नारद को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%, 54%, बाकी 14, 12 और बी को मिले हैं 20। मुस्कुरा रही थी आप, क्योंकि सर, आपके मन में लगा था कि वो हो सकता है। ये भी लगा था सर, और कोई सर, बात ए के साथ, ऑडियंस के साथ। आपने अच्छा किया, अच्छा जल्दी बोलिए क्या करें। ऑडियंस के साथ सर, ए, ऋषि नारद। ए पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब हो गया। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। वाह क्या बात है। थैंक यू। ऑलराइट रश्मि जी, 80,000 रुपए जीत गए आपने, तो संकेत है देश के सवाल का। आइए चलिए देखते हैं आज का जो सवाल है किस देशवासी ने दिया। महाराष्ट्र से गाड़ी चली और गई है उड़ीसा। नमस्कार अमिताभ जी, मैं सौरभ कटक से, और मेरा सवाल है 1950 से 1954 तक भारत की 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस ने किस युद्ध के दौरान सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी कोरियाई युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध, या ऑप्शन डी कारगिल युद्ध। और आपका समय शुरू होता है अब। देखे कौन जीता है। यूनिट नंबर 20 नंबर। अरे भाई साहब वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैनेजर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरोत्तम पुजारी है, मैं सालासर बालाजी मंदिर से हूँ। सही उत्तर क्या था? कोरियन। कोरियन वॉज द राइट आंसर। वेल डन। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, आपके लिए एक भेंट है, इसको स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि जी, हमारी प्रार्थना जैसा कि हमने कहा आपके साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आज आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपये, ठीक है? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कश्मीर का एक ऊन आधारित शिल्प है जो विलुप्त होने की कगार पर है? ऐसा बदर बट्टू दबा दिया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। रश्मि जी, विच ऑफ दीज इज एन एंडेंजर्ड फेल्ट वुल क्राफ्ट फ्रॉम कश्मीर? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये, ए डंका, बी चेरियल, सी सांजी, डी नामदा। ये तो चली जाएगी, क्योंकि मुझे थोड़ा जो ऑप्शंस की उम्मीद थी वो ऑप्शंस इसमें नहीं है, तो चेरियल। अगर आप लाइफलाइन ले लेंगी तो आप जीवित रहेंगे, केवल दुगनास की शक्ति नहीं मिलेगी। सर लाइफलाइन लूंगी। ओके, दो बची हुई हैं, वीडियो कॉल, अ फ्रेंड और डबल डिप, कौन सी लीजिएगा? डबल डिप में क्या होता है, फिर आप क्विट नहीं कर सकती। एक बार सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और किन से बात कीजिएगा? ये यहाँ पर 3 नाम आते हैं, ये देखिए, देवेंद्र सिंह है, मुकेश कुमार है और राजन सिंह। सर एक बार देवेंद्र सिंह को कॉल लगाएं। जी जी, देवेंद्र सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी।
ये परिवार के मित्र हैं आपके? सर बैचमेट कम फ्रेंड हैं। बैचमेट हैं। प्रणाम करता हूँ देवेंद्र सिंह जी, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? सर मेरा सौभाग्य। अच्छा देवेंद्र सिंह जी, हमारे सामने रश्मि जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, और आपको 45 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। ठीक है सर। ठीक है रश्मि जी, आपका समय शुरू होता है अब। कश्मीर का एक ऊन आधारित शिल्प जो विलुप्त होने की कगार पर है, ऊन आधारित, ए डंका, बी चेरियल, सी सांझी, डी नामदा। कोई आइडिया? डंका, चेरियल, सांझी, नामदा। सांझी मुझे लग रहा था, सांझी मुझे थोड़ा लग रहा है, सांझी थोड़ा सा लग रहा है। सर डबल डिप। समय निकाल हो गया। डबल डिप। और डबल डिप एक और लाइफलाइन लेना चाह रही रश्मि जी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। अब रश्मि जी, जैसा कि आप जानती हैं, गेम क्विट नहीं कर पाएंगी और दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सी सांझी। सी सांझी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। नहीं ये गलत हो गया। अब एक ही अवसर बचा है और दूसरा उत्तर देना पड़ेगा आपको। दूसरा उत्तर बताइए। डी नामदा। डी नामदा पे कल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बच गए आपका। अच्छा आपके जो मित्र थे वो कह भी रहे थे कि सांझी और नामदा दोनों में एक है। भेड़ की ऊन का उपयोग होता है नामदा। नामदा जो शिल्प है उसमें भेड़ की ऊन का उपयोग होता है, इससे गलीचे जैकेट बनाए जाते हैं और ये एक एंडेंजर्ड क्राफ्ट है क्योंकि इसको करने वालों की संख्या जो है वो घटती चली जा रही है। बहुत सुंदर उत्तर हो गया आपका। 1,60,000 रुपए जीत लिए आपने। और यहाँ पर आकर के हम एक चेतावनी देते हैं कि ये इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ अगर गलती हो गई तो आप गिर जाएंगे नीचे 10,000 पे। देखिए कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपये और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से खिलाड़ी अपने खेल में भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता नहीं है? Which of the following athletes is not the first woman Olympic medalist for India in her respective sport? ऑप्शन देखिए, ए मीराबाई चानू, बी एम सी मैरीकॉम, सी साक्षी मलिक या डी साइना नेहवाल। साक्षी मलिक ने पहली है, साइना नेहवाल बैडमिंटन में पहली, एमसी मेरी कॉम बॉक्सिंग में पहली, साक्षी मलिक कुश्ती, मीराबाई चानू सर ए, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में वेटलिफ्टिंग में जीता था। ए मीराबाई चानू। करी ए मीराबाई चानू पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। कर्णम महेश्वरी ने सन 2000 में वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए पहला पदक जीता था। मीराबाई चानू 2021 में इसी खेल में दूसरी भारतीय महिला पदक विजेता बनी और साइना नेहवाल बैडमिंटन में, साक्षी मलिक कुश्ती में और एमसी मैरीकॉम मुक्केबाजी में पहली भारतीय महिला पदक विजेता। 3,20,000 रुपये जीत ले हैं और इसको हम चेक के द्वारा आपको लिख के दे देंगे।
ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके रश्मि जी, बड़ा अच्छा लगता है सर सुनने में। अच्छा लगता है ना? सुन रही हूँ तो। ऑलराइट, जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद हमारा यहाँ एक और परिवर्तन हुआ है, सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है। अच्छा हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? हिंदी में। अच्छा हिंदी में। ऑलराइट, और अब हम शुरू करते हैं सुपर संदूक। रश्मि जी, आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन 1960 के दशक में जीवित थे? सरदार पटेल, पंडित नेहरू। करेक्ट। नेक्स्ट, किस टीम ने 2024 यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल जीता? मैनचेस्टर सिटी। बी। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिनेता के पिता जंजीर के सह लेखक? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भीमा शंकर मंदिर में मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव। करेक्ट। नेक्स्ट, श्रीमती निर्मला सीतारमण किस सदन? राज्यसभा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रचार गीत? स्कूल चले हम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विलियम डैलरिम्बल की सिटी ऑफ जिन्स किस शहर के बारे में है? दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। गलत। नेक्स्ट, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? गोदावरी। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, दक्षिण कोरिया? दक्षिण सूडान। गलत। नेक्स्ट, क्रिकेट में इनमें से कैसे आउट होने पर स्टंप? गलत। नेक्स्ट, कोई बात नहीं रश्मि जी, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपए जीत गए हैं। और कहां कहां गलत हो गई बता दें आपको। किस टीम ने 2024 यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल जीता? रियल मैड्रिड। एक और जगह गलत हो गया था, वो था कि विलियम डैलरिम्बल कि सिटी ऑफ जिन्स किस शहर के बारे में? वो दिल्ली के बारे में। ये आइडिया नहीं था। बेतवा किस नदी की सहायक नदी? यमुना। आपने गोदावरी कहा, नहीं यमुना। यमुना, यमुना की है। एक और था, इनमें से क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, आपने दक्षिण सूडान कहा। और क्रिकेट में इनमें से कैसे आउट होने पर स्टंप नहीं गिरेगा? रन आउट नहीं, LBW। अब आपने जीत लिया है 50,000। अब ये 50,000 रुपए ये बैंक में जमा हो गए हैं, अब बताइए वहीं रहने दें या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन सर। ऑलराइट, कौन सी? ऑडियंस फोर। कमेडियन महाशय, ये जो बैंक में 50,000 रुपए जमा किया है इसके एवज में ये अपनी एक लाइफलाइन जो है फिर से जीवित करवाना चाहते हैं, जीवित कर दिया जाए। इस फोल जो है जीवित हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। देखिए यहां पर थोड़ा से और ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब प्रश्न जो है कठिन होते जाते हैं, एक ही लाइफलाइन बची है। हालांकि इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 का। तैयार हैं? जी सर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी को चीन में लैंकिन जैंगबो कहा जाता है? Which river is known as Lankin Zhangbo in China? A. Ravi. B. Satluj. C. Chenab. D. Bias. Ravi. पंजाब सत्यास नहीं होना चाहिए, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है एक दो लेकर। ऑडियंस फोल लेंगी रश्मि जी, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी।
और आपका समय शुरू होता है अब। सी जनाब को दिया है सबसे अधिक प्रतिशत, 23 मिला है ए को, 26 मिला है बी को और 8 मिला है डी को। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी, ऑडियंस के साथ जाएंगे, सी चिनाब को लग। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी चिनाब और रश्मि जी कह रहे हैं कि उस पर ताला लगा दिया जाए। रश्मि जी ये गलत हो गया है, सतलज जो है वो सही नदी। लैंगचिन जैंगबो में लैंगचिन का मतलब होता है हाथी, और क्योंकि इस नदी की घाटी जो है वो हाथी की सूंड जैसी दिखती है। सतलज तिब्बत से निकलती है, अन्य तीनों नदियां जो है वो भारत से निकलती हैं। कोई बात नहीं ऑडियंस, कभी कभी हो जाता है ऐसे, प्रश्न भी बहुत कठिन था। तो आप 3,20,000 रुपए जीत रहे थे, हमने कहा था कि ये लीस्ट रेस वाला होता है जगह। यस सर। 3,20 आप जीत रहे हैं और ये 3,20 हम आपके बैंक अकाउंट में, जहां आपका वो भी गया हुआ है, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ये देखिए, और 3,20,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। ओके किया, कन्फर्म किया, पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए बिल्कुल जल्दी और आसान तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको रश्मि जी, आप स्वस्थ रहे और आपकी बिटिया जो है वो स्वस्थ हो, हमारी यही कामना और प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।